भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों में दो बड़े सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का जलवा हमेशा भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर चलता है और इनकी फिल्में हमेशा भोजपुरी दर्शक बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं और इनकी फिल्में आते ही भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट का डंका बजाती है। लेकिन एक बार फिर से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह 2018 के जनवरी माह में भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर टक्कर लेने वाले हैं। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट की माने तो सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म बलमुआ तोहरे खातिर और खेसारी लाल यादव की दुल्हन गंगा पार के एक बार फिर से जनवरी 2018 में दोनों फिल्में सीधे भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक दोनों फिल्में की ऑफिशियली रिलीज डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है कि दोनों ही फिल्में जनवरी के 2018 में एक साथ रिलीज होने वाली है। बलमुआ तोहरे खातिर में सुपरस्टार पवन सिंह के साथ ख्याति की रोमांटिक जोड़ी भोजपुरी दर्शक देख पाएंगे, तो वहीं दुल्हन गंगा पार में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ हॉट अदाकारा काजल राधवानी का रोमांटिक जोड़ी एक बार फिर से भोजपुरी दर्शक देखेंगे। साथ ही साथ दुल्हन गंगा पार में पहली बार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बेटी कीर्ति यादव भी बाल कलाकार में अपना अभिनय का जलवा भोजपुरी दर्शकों को देखने को मिलेगा। तो वहीं बलमुआ तोहरे खातिर में ख्याति और पवन सिंह की रोमांटिक जोड़ी भोजपुरी दर्शक देख पाएंगे। इस फिल्म में पवन सिंह एक सैनिक की भूमिका में नजर आने वाले हैं, जो देश के सीमा के गुंडों के साथ साथ गांव के गुंडों का भी सफाया करते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं ख्याति का जोरदार एक्शन अवतार भी भोजपुरी दर्शक देख पाएंगे। अब तो देखना यह होगा कि 2018 में इन दोनों की फिल्में की टक्कर में कौन सी फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचाती है और भोजपुरी दर्शकों को कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आती है। भोजपुरी गॉसिप से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।